Bollywood actress Jia Khan of Nishabd fame was found hanging from her ceiling at her Juhu residence on late Monday night. In utter shock, director Mahesh Bhatt expressed his opinion on the tragic incident. ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही पेनफुल लम्हा है. हमारी बच्ची 25 साल की जिया ने आत्महत्या की है. ये प्राइमा फेसी एविडेंस हमारे पुलिस के जो हेड हैं यहाँ के, उन्होंने हमें इतला अभी दी है कि प्राइमा फेसी लगता है कि इट्स अ केस ऑफ सुसाइड. हम यहाँ पर एज द मेंबर्स ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी और जाति पर्सनल कॉन्टैक्ट के आधार पर भी यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम उनकी वालिदा राबिया जी को ये एहसास दिलाना चाहती हैं कि वो इस लम्हे में तनहा नहीं हैं. सिंटा की तरफ से हमारे रजा भाई भी खड़े हैं. बहुत जल्द हमारे वेस्टर्न इंडिया एसोसिएशन के दिनेश चतुर्वेदी यहाँ पर आएंगे. और क्योंकि उनकी जो वालिदा हैं वो अकेली हैं, सारा सपोर्ट जो फिल्म फ्रेटर्निटी से उन्हें होना चाहिए उन्हें हासिल होगा. ये हम लोगों के लिए बहुत पेनफुल मोमेंट है, मगर ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ पर हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई का सामना करना चाहिए कि देयर समथिंग कॉल्ड मेंटल डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में दुनिया को इल्म ही नहीं है. हम यहाँ वहाँ डिमोनाइज करते रहते हैं, दुश्मन ढूंढते रहते हैं, विलन ढूंढते रहते हैं, और कहीं पर जो रोग होता है हमारे जिस्म के अंदर ही होता है. मुझे ये कहना है कि आज के दिन हम सबको मेंटल डिप्रेशन जैसी जो एक बीमारी है उसके बारे में सोचना चाहिए. देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका एक प्रेम संबंध था और उनके आपसी रिश्तों में क्या तनाव था वो तो वो जानते हैं, मगर इस वक्त किसी एक व्यक्ति को डिमोनाइज करना और कहना कि उनके कारण ये हुआ है, ये डिस्कोर्स को ट्रिवियलाइज करता है. जैसे मैंने कहा कि एक कैटलिस्ट हो सकता है, एक ट्रिगर हो सकता है, एक इमोशनल ट्रिगर हो सकता है, मगर कहीं पर इस बच्ची के अंदर एक ऐसे कुछ लक्षण थे कि वो डिप्रेशन के जो एक भवन में आहिस्ता आहिस्ता फंसती जा रही है. The post-mortem process has concluded. That was told to me by the head of the police of the section, and I am told that they are waiting for some family members to come from UK. And from my information available to me, the burial will be tomorrow, and that is my information at the moment is. उनकी बहन आ रही हैं शाम के 7 बजे की फ्लाइट से, और कल सुबह जो हैं last rites perform किए जाएंगे. लेकिन सर, जो पुलिस ने डिटेल्स हमें दी है, नागरिक पार्टी साहब ने खुद बोला कि 10:53 से 11:22 तक कॉल जो है वो सूरज का ही आया था, उसके बाद सुसाइड हुआ है. हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके एक प्रेम के संबंध थे, और वो लास्ट कॉल 10:53 को आया था, मगर उसके बाद में उसकी बच्ची के जहन में क्या घटा कि उसने अपने आप अपनी जान ले ली, वो शायद वो ही समझ पाएगा, क्योंकि वो एक डिप्रेसिव माइंड के अंदर क्या घटता है उसके बारे में आप फैंटेसाइज कर सकते हैं, उसका सही एहसास आपको कभी होगा ही नहीं. एक दो बातें, आपको लगता है कि फैटलिटी का इतना प्रेशर हो सकता है किसी इंसान के ऊपर कि यू नो करियर को आगे ना लाइमलाइट में नहीं आ रही है, लाइमलाइट फिल्में करने के बाद? देखिए, मैं जानता हूं कि मीडिया की मजबूरी ये है कि वो फिल्म इंडस्ट्री को डिमोनाइज करें, मगर अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो इश्यू को ट्रिवियलाइज कर देंगे. हज़ारों लोग फिल्म इंडस्ट्री में पलते हैं और यहाँ पर जीते हैं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं. आग लाइट्स के बुझने के बाद ज़िंदगी समाप्त नहीं होती है. बहुत हज़ारों करोड़ों लोग बसते हैं जो आग लाइट के सामने अपनी ज़िंदगी नहीं जीते हैं, मगर वो ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस करते हैं. ये मानना कि फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ये हुआ, ये गलत होगा. हाँ, एक माहौल एक क्राइसिस ट्रिगर कर सकता है, जिस तरह आपके वो डायबिटीज़ के आपके अंदर जीन्स में है डायबिटीज़, तो एक स्ट्रेसफुल लाइफ से वो डायबिटीज़ सरफेस पे आ सकती है, मगर ये कहना कि फिल्म इंडस्ट्री कारण है ये डिबेट को या इश्यू को ट्रिवियलाइज करते हैं. भट्ट साहब, कभी जिया से आपकी बातचीत हुई या कुछ, उन्होंने आपको कभी अपने इस तनाव के बारे में कभी बताया था? जिया
को फिल्म इंडस्ट्री मैं ही लाया था तुमसा नहीं देखा के वक्त पे, और जो अनुराग बासु डायरेक्ट करने वाले थे, मगर किसी कारण वो हम प्रोजेक्ट में उनके साथ वो कंप्लीट नहीं कर पाए। मगर उसके बाद में हमारे एक जो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप थी मेरी बीवी के साथ में, उनकी माताजी के बहुत गहरे संबंध रहे हैं, मगर आज जब हमने ये खबर सुनी तो हमारे पैरों तले जमीन हो गई। बट सर, उनकी माताजी से आपको कोई बात हुई हो अभी इस दौरान? माताजी के दिल पे क्या बीत रहा होगा जब जवान बच्ची अपने आंखों के सामने देखे के पंखे पटंगी हुई है, उसका अंदाज़ा शायद आपको होगा। इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ कह पाएँ, मगर हमारे और बिरादरी के कुछ लोग आसपास उनके हैं और उसको उनका ख्याल लगातार रखा जा रहा है।